गाइज वेलकम टू लैब आज मंडे है और अगर आपको याद हो तो मैंने मंडे से फ्राइडे जब लेक्चर हुआ था तो सैटरडे संडे में मैंने आपको आपको बोला था कि भाई छुट्टी मत समझना सैटरडे संडे हमेशा मिलता है ताकि जो भी आपने मंडे से फ्राइडे पढ़ा है लाइव क्लासेस में उसको आप अच्छे से रिवाइज करो एक बार दो बार तीन बार मल्टीपल टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर लो ठीक है इसी वजह से सैटरडे को लेक्चर नहीं होता है अगर आप लोगों ने सैटरडे को छुट्टी मार ली और आपने सोचा अरे कोई क्लास नहीं है सैटरडे को छोड़ो मस्ती करेंगे आज बहुत बेकार परफॉर्म करोगे टेस्ट में अगर ऐसा किया होगा तो तो एकदम एनर्जी के संग एक गुड होप के संग को शुरू करते हैं एंड yes, कि मंडे से हमारा होता है English, ये समय को एकदम रट लो बढ़िया तरीके से ठीक और आपका मंडे से फ्राइडेज चलती है सैटरडे को नहीं होती ताकि आपको समय, समय मिले चीजों को रिवाइज करने का और दोबारा आप उसका टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो हमेशा मंडे को आपका पे मैं टेस्ट रखूंगी। ये देखने के, के मंडे को मैं टेस्ट लेती हूं। बजे भी आपका टेस्ट है, हिंदू का आज टेस्ट ही टेस्ट है भाई चलो कुछ लोग कह रहे हैं मैम हम टॉप करेंगे यार, भगवान करें। आप सब लोग टॉप करो और एक ही साथ टॉप करो देखते हैं कि कैसे क्या आता है चलिए 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 क्या हो गया चलो अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को ये मेरा टेलीग्राम है बरखा चैनल दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम सेवेंटी फाइव के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं पचहत्तर हजार इसमें एक्टिव रहा करो ठीक है दिस इज द चैनल थ्रू विच आई कम्युनिकेट विद यू गाइस मुझे कभी कुछ अच्छा लॉन्च करना है मुझे अपने टेस्ट की लिंक भेजनी है सुबह जो 7:45 वाली क्लास होती है इसकी लिंक मुझे भेजनी है तो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ तो इसको ज्वाइन कर लो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सभी लोग ठीक चलिए अभी शुरू करते हैं अपनी आप अपना आज का लेक्चर साढ़े बारह बजे फ्री क्लास है क्लास का कोड है स्टडी वो भी आप सब लोगों को टेस्ट देना है फ्री क्लास में भी ठीक ये स्लाइडर नहीं चल रहा है यार चलो प्रोसेस बता दूंगी मैं आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करने का लेकिन पहले चलो क्लास शुरू करते हैं तो रूल नंबर थर्टी से लेकर रूल नंबर तक हम लोगों ने पिछले हफ्ते कंप्लीट किया और उसी रूल्स का मैं टेस्ट लेने जा रही हूँ so, जल्दी से बताओ कितने लोग एक्साइटेड हैं और रेडी है आपको पूरा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है आपको सिर्फ एक एक हफ्ते करके रिवाइज करना है यही तो गलती हो रही है ना आप लोग सोच रहे हो शुरू से रिवाइज करेंगे भैया शुरू से नहीं रिवाइज किया जाता है आज जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे वो रूल नंबर ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी एट के ऊपर नहीं बेस्ड होगा वो सिर्फ रूल नंबर थर्टी से रूल नंबर फोर्टी थ्री तक के बीच में होगा जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी ठीक तो चलो ये रहा आपका पहला सवाल पहला और दूसरा सवाल आपके सामने है अब चूंकि ये टेस्ट है तो मेरे से बार बार मत बुलवाइएगा कि सब लोग आंसर करो सब लोग आंसर करो आप सब लोग इवेंचुअली खुद से ही आंसर कर देना ठीक बार बार बुलवाना मत शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर शी इज चर फुलियर देन हर सिस्टर सभी लोग मेरे ख्याल से सही करोगे क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझाया बहुत ही ज्यादा डिटेल में था मोर यार इतना आसान क्वेश्चन है इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा क्या <coughs> भाई स्मार्टर क्या है एक कंपेरिटिव डिग्री है और मोर भी कंपेरेटिव डिग्री होता है होता है कि नहीं तो दो कंपेरेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं यूज किए जाते तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मार्टर के पहले मोर नहीं आएगा आप सीधे स्मार्टर दैन लिखोगे फिर क्वेश्चन नंबर टू है शी इज चीयरफुलियर देन हर सिस्टर चीयर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है तो अगर कभी भी किसी भी शब्द को हमको कंपेरेटिव डिग्री का बनाना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं या तो हम एंड में इर लगा दें या तो हम शुरुआत में मोर लगा दें ये दोनों तरीके होते हैं अब चूंकि हमको पता है कि चियरफुलियर कोई वर्ड नहीं होता तो हम क्या कहेंगे इसके आगे मोर लगा देंगे और ये हो जाएगा मोर चीयरफुल क्या हो जाएगा मोर चीयरफुल ठीक चलिए इसके बाद फिर से आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट रेस्लर ही इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर दो चीजें हैं दोनों को सब लोग करो और स्पीड uh, में आंसर करना हम्म hmm. अच्छा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर सबसे पहले कौन करता है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आई विल अनाउंस हिज या फिर हर नेम जो भी हुआ जिसने क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहला आंसर दिया है तो सबसे पहला आंसर दे रहे हैं उनका नाम है 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 महिमा मौर्य वेरी गुड महिमा वेल well डन महिमा मौर्य ने सबसे पहला सही आंसर दिया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जब अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके संग दोबारा मोस्ट नहीं यूज किया जाता He is the most handsome actor. ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है इसमें कोई एरर नहीं है बात समझ में आई? यहाँ पे तो आपका पहले ही ई एस टी था ई एस टी और मोस्ट एक साथ नहीं यूज होता है या तो आप ई एस टी यूज करो या तो आप मोस्ट यूज करो जैसे हमने यहां पे ई एस टी यूज किया हमने यहाँ पे मोस्ट यूज किया ठीक है गेटिंग माई पॉइंट वेरी गुड 7:45 का लेक्चर नहीं हुआ डेली होता है 7:45 का लेक्चर मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहो तो आपको लिंक भी मिलता रहेगा ठीक है चलो दीज मैंगोज आर मोर टेस्टियर दैन दो आई एम एल्डर दैन हर देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले सबसे सही आता है देखते हैं सबसे पहला करेक्ट आंसर आ रहा है नाम है नाम है नाम है वेरी गुड सुपर्णा सबसे पहला करेक्ट आंसर सुपर्णा का है टेस्टियर अपने आप में एक कंपेरिटिव डिग्री है उसके संग मोर नहीं लिखा जाएगा शॉर्ट में अगर बताऊं तो ई ER, आर या तो आप लिखो या तो आप मोर लिखो आप दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हो उसी तरीके से या तो आप EST लिखो या तो आप मोस्ट लिखो आप दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हो ठीक है तो यहां पे ई आ गया तो मोस्ट हटा लो आई एम एल्डर एल्डर के संग दान नहीं एल्डर के संग टू आता है ठीक है क्लियर है सबको चलो आगे बढ़ते हैं जस्टन इज द मोस्ट फास्ट रनर ऑन द ट्रैक टीम मिस्टर कोपलन स्पोक द मोस्ट हाईली ऑफ जुआन देन दर इंटरव्यू कैंडिडेट यहां पर आप लोग एक नई चीज सीखोगे इस वाले क्वेश्चन में जो मोस्ट फास्ट लिखा है आपने सोचा होगा कि भाई मैम ने सिखाया है या तो मोस्ट आएगा या तो ई आएगा यहाँ पे EST नहीं आया है मोस्ट आया है तो क्या ये सही है बिल्कुल गलत है क्योंकि मोस्ट फास्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है वर्ड क्या होता है मोस्ट फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री होता है फास्टेस्ट ठीक है उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपसे बोला कि सारे बच्चों में ये सबसे लंबा है तो मैं क्या बोलूंगी कि यार ये टॉलेस्ट है टेस्ट ऑफ ऑल है मैं ये बोलूंगी मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि ये मोस्ट टॉल है हम मोस्ट वर्ड सिर्फ तभी लगाते हैं जब ई एस टी से वर्ड बनाना पॉसिबल नहीं होता है टॉलेस्ट ई एस टी से आसानी से बन जाएगा तो हम मोस्ट नहीं लगाएंगे हम सीधे टॉलेस्ट लिखेंगे उसी तरीके से फास्टेस्ट अपने आप बन जाएगा ई एस टी लगाने से तो हम अपने साइड से फास्टेस्ट लिखेंगे मोस्ट फास्टेस्ट नहीं होगा ठीक है तो ये हमारी एरर थी मिस्टर कोपलेंट स्पोक द मोस्ट हाईली मोस्ट हाईली सबसे ज्यादा मोस्ट हाईली अब हाई कोई वर्ड नहीं होता है हाइलियर या फिर हाईलीएस्ट कोई वर्ड नहीं है तो मोस्ट हाईली बिल्कुल सही है इसमें कोई भी एरर नहीं है ठीक चलो क्वेश्चन नंबर एट पे मूव करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पलटने में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि स्लाइडर ना काम नहीं कर रहा है अच्छे से The politician has the gold laugh during the debates, good laugh g during the debate. Learning Japanese is difficultier than learning Italian. Very good. यहाँ पे है पॉलिटिशियन सब में से एक जब सब में से हम एक चुनते हैं तो इसका मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया ए मतलब यहाँ पे गुड नहीं आएगा यहाँ पे आएगा बेस्ट लाफ बेस्ट लाफ अगर हम कभी भी किसी एक इंसान की बात करते हैं तो वहां पे आता है गुड दो लोगों के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो आता है बेटर और अगर हम बोलते हैं कि सब में से सबसे ज्यादा अच्छा सब में से तो वहां पे बेस्ट आएगा क्लियर है चलो लर्निंग जापानीज़ इज डिफिकल्टीयर देखो ई आर आप तब लगाते हो जब ई ER आर से शब्द बन जाए अब हमने देखा डिफिकल्टीयर कोई शब्द नहीं है अब हमें इसकी कंपेरिटिव डिग्री बनानी है तो हम ई ER आर थोड़ी ना लगाएंगे हम सीधे लिखेंगे मोर मोर डिफिकल्ट हम लिख देंगे मोर डिफिकल्ट बाकी कुछ नहीं आएगा फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question है चलो इसको करो माई मदर वॉज अ ग्रेट बेकर एंड आई विश आई वर मोर लाइक हर आई विश आई वर ओल्डर आई रियली वॉन्ट माई ओन कार क्या बात है बहुत जल्दी अपनी खुद की गाड़ी चाहिए है क्या बात है देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत होता है हो सकता है दोनों सेंटेंसेस सही हो हो सकता है दोनों गलत है आंसर क्या है सब लोग करो भाई आज मंडे है मंडे को टेस्ट तो होता ही है मैं ये तो देखूं कि आप लोगों ने सैटरडे संडे किताब छुई भी है कि नहीं छुई है

बड़ा बताया जाता है और ब्लड रिलेशन की बात होती है ब्लड रिलेशन की बात है तो एल्डर लगेगा क्या हमारे सेंटेंस में ब्लड रिलेशन की बात है नहीं है तो यहां पे एल्डर नहीं आएगा यहां पे ओल्डर आएगा मतलब ये और ये दोनों सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक इन दोनों को करो मा मदर वॉज अ ग्रेट नहीं ये हो चुका है मल्टी बिलियनियर आई वुड रिड द होल वर्ल्ड फ्रॉम पॉवर्टी बढ़िया अगर मल्टी मिलेर मल्टी बिलियनियर होता तो गरीबी खत्म कर देता है लेकिन एक बार जेब में पैसा आ जाता है ना तो क्या गरीबी क्या अमीरी किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है, है ना चलो इफ आई वॉज इन शूज आई वुड एक्सेप्ट देर ऑफर आई वॉड वॉज इन हिज शूज वॉज इन हिज शूज एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता जैसे आपने अक्सर ही मेरे मुंह से सुना होगा मैं एक चीज बोलती हूँ आई प्रिपेयर माई कॉन्टेंट बाई मतलब अपने आप को तुम्हारी जगह पे रख के मैं कॉन्टेंट बनाती हूं अपना इसीलिए मेरा कॉन्टेंट एक बार में समझ में आता है आप लोगों को ठीक तो वही है कीपिंग वन सेल्फ इन शूज इसका मतलब होता है किसी और की जगह पे खुद को रखना दोनों क्वेश्चन के आंसर देंगे सब लोग आपको अगर याद आ रहा होगा कभी भी हम इमेजिनेशन करते हैं या फिर कोई ऑपोजिट सिचुएशन या अनसर्टनिटी दिखाते हैं हमारे सिचुएशन में उस केस में हमेशा ही हमारे सिचुएशन में क्या आता है हमारे सिचुएशन में हमेशा आता है वर तो यहां पे जो वॉज लिखा है गलत है यहां पे जो वॉज लिखा है गलत है कभी भी आप इमेजिनेशन की बात करते हो या फिर अनसर्टन किसी सिचुएशन की तो हमेशा वहां पे वर आता है ठीक अगर मैं मोदी जी होता तो मैं ये कर देता अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ रही होती अगर मैं मल्टी मिलेर होता तो मैं ये करता तो ये जो अगर और मगर वाले सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें हमेशा वर लगता है अब एक चीज और यहाँ पे आप सीखो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो जैसे यहाँ पे आय लिखा है ना तो हमने वर लिख दिया ठीक आय के जगह पे चाहे ही हो चाहे शी हो चाहे दे हो चाहे शब्द हमारा कुछ भी हो लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि लगता हमेशा वर है कभी भी वॉज नहीं आता जब भी इमेजिनेशन की बात होती है आई होप यू गेट दैट ये क्या हो गया बफरिंग हो रही है क्या मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बफरिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है चलो परफेक्ट आगे बढ़ते हैं वी विल डिस्कस द मैटर विद द चेयरमैन वी शैल नॉट लेट यू गो आई shall ट्राई टू गेट हिम अ गुड जॉब यार यहाँ पे तीन सेंटेंसेज हैं, तो यहाँ पे टाइमर तो आपका बनता है तीनों सेंटेंसेज हैं बढ़िया से टाइमर करो पंद्रह सेकेंड का समय है तीनों क्वेश्चन के आंसर करो अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आंसर करोगे सभी लोग करेंगे सभी लोग करेंगे तो यहां पे सिर्फ आंसर बताऊंगी क्योंकि अगर आपने मेरी क्लास करी है तो आपको पता होगा ये चीज मैंने कितनी डिटेल में कराई है याद है विल की जगह पे होगा नंबर देना आपने आपको शाल की जगह पे होगा विल और फिर से यहां पे शाल लिखा है शाल की जगह पे होगा विल ठीक है तो ये आपकी एरर है तीन में से जितने भी नंबर मिले हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जब मैं पढ़ा रही थी उस टाइम भी आंसर को कॉमेंट सेक्शन में करो और ये रहा आपका टाइमर बारह सेकेंड का सफिशियंट है अठारह और उन्नीस दोनों क्वेश्चन के आंसर करेंगे सब लोग <coughs> आपका खत्म हो गया एक बात मुझे बताओ यहां पे किसी पर्टिकुलर मैन की बात हुई है किसी पर्टिकुलर की बात हुई है या फिर हर इंसान की, 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 की बात हुई है ना तो जब पर्टिकुलर इंसान की बात होती है तो हमारे में की पे क्या आएगा हमारे में की पे आएगा द मैन कभी भी हम किसी भी यूनिक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की बात करते हैं तो द आ जाता है Isn't it? The boy standing near the gate is my brother. Uh, यहाँ पे भी किसी स्पेसिफिक लड़के की बात थी कि भाई वो लड़का जो गेट पे खड़ा है वो मेरा भाई है हर लड़का मेरा भाई नहीं है वो लड़का जो गेट पे खड़ा है वो मेरा भाई है तो मैंने पर्टिकुलर मैंने स्पेसिफिक बना दिया स्पेसिफिक बना दिया तो द यूज होगा ये वाला सही था लेकिन ये वाला गलत था तो एटीन को आप क्रॉस मार्क कर दोगे ठीक ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट इनहव सनराइजर इन द ईस्ट हो सकता है दोनों सही हो और हो सकता है गलत हो आप बताओ क्या होगा अच्छे से सुनिएगा अच्छे से समझिएगा मैंने आपसे बोला है ना कि जब भी हमारे सेंटेंस में बात होती है जगह की जैसे दो दो तरीके से जगह का यूज होता है ठीक है जैसे मैंने बोला यार थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जगह नहीं है मैंने बोला चलो तुम्हें एक बहुत बढ़िया जगह घुमाने के लिए ले जाऊं दोनों में जगह आया है लेकिन दोनों में जगह वर्ड का सेंस डिफरेंट है जैसे मैंने बोला चलो चलो यार बाहर निकलो कमरे में बिल्कुल जगह नहीं है ये भी एक जगह होता है और मैंने आपसे बोला चलो तुम एक बहुत ब्यूटीफुल सी जगह घुमाने ले सकते हैं ये भी जगह होता है तो जब जगह का सेंस स्पेस से रिलेटेड होता है तो वहां पे क्या यूज होता है आपके सेंटेंस में रूम याद है मैंने क्लियरली ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी कि रूम वर्ड के दो मीनिंग होते हैं एक तो होता है स्पेस और एक होता है कमरा याद आ रहा है सनराइज इन यार भाई सन यूनिक है दस बारह सन नहीं है तो द सन हो जाएगा कोई भी हेवेनली बॉडी द सन द अर्थ द मून ठीक है हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल द रिच एक्सप्लोय द पुअर कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लो जो भी मैंने पढ़ाए हैं क्योंकि उसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जा रहा है आपके सेंटेंस में सिर्फ वही चीजें पूछी जा रही हैं देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कौन करता है इस वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का देखते हैं कौन आंसर करता है वेरी गुड सबसे पहले आंसर किसने किया है अरे यार सिंपल है ना हमारे सेंटेंस में ये हायर लिखा है और ये ग्रेटर लिखा है ध्यान से सुनना हम मैंने आपको समझाया था कि हमारे सेंटेंस में हमेशा ही ए थ्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है जैसे कि अगर यहाँ पे हाईएस्ट होता तब तो द आ जाता और ये चीज हम सबको पता है हम सब ने बहुत अच्छे से सीख ली है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है ठीक लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पे कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी द आता है वो केस क्या होता है जब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है दो बार जब कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंसेस में आता है ना ये इस तरीके से जब सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है तब हमारे सेंटेंस में द आएगा द हायर द ग्रेटर ठीक और ये वाला तो आपका सही है ई एस टी तो हमेशा आता है ये तो सभी को पता है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री है तो ई एस टी आएगा लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पे दो बार इस तरीके से कंपेरेटिव डिग्री दी जाती है इन दोनों में ही द आता है द रिच एक्सप्लॉयड द पुअर द रिच का मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ सारे अमीर लोगों की और द पुअर का मतलब है मैं बात कर रही हूँ सारे गरीब लोगों की और कैटेगरी बताने के लिए द आता है यहाँ पे भी द आया है यहाँ पे भी द आया है मतलब ये बिल्कुल सही है अगर वर्ड के पहले द के द लगा है ना तो इसका मतलब हम पूरी कैटेगरी पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं बदल जा भाई बहुत इरिटेट कर रहा है ये तो बोइंग सेवन फोर सेवन एट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन मैन्युफैक्चर इन यू एस आई लव टू रीड हैरी पॉटर सीरीज बाई जे के राउलिंग्स वैसे हैरी पॉटर तो काफी लोगों को पसंद है न क्या बात है भाई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बार बार क्यों बुलवा रहे हो आंसर के लिए नहीं पढ़ाई करी है क्या किसी ने यूएस कोई भी कंट्री अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखी है तो उसके पहले द आएगा तो यहां पे यूएस के पहले द आ जाएगा द यूएस और ये हैरी पॉटर ने लिखी आई लव टू रीड दैरी पॉटर सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सीरीज जिसका नाम है द हैरी पॉटर तो कभी भी कभी भी किसी पर्टिकुलर या यूनिक का सेंस आता है आपके सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक का सेंस आता है तो वहां पे हमारे सेंटेंस में हमेशा द आता है तो यहाँ पे भी द आ जाएगा और ये हो जाएगा हैरी पॉटर मोनालिसा इज अ ग्रेट पेंटिंग बाय इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डावी द रोड वेलर इज वन ऑफ द डेंजरस डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड ये है एक्चुअल में ये सेंटेंस मतलब ये एक फैक्ट है बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्पीशीज होती है डॉग्स की रोटवेलर अच्छा यहां पे हमारे सेंटेंस में जो दिया है चलो मैं आप लोगों को एक बार पोल भी दे ही दे रही हूं पोल में आंसर करो सभी लोग इज अ ग्रेट पेंटिंग बाय इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डबिची क्या है यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पेंटिंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पेंटिंग तो क्या यहां पर द नहीं लगना चाहिए द मोनालिसा रोटवेलर इज ऑलरेडी अ ब्रीड है ना तो ये एक ऑलरेडी ब्रीड का नाम दे दिया गया है नाम दे दिया गया है मतलब ऑलरेडी एक स्पेशल टाइप की ब्रीड बता दी गई है तो जब ये ऑलरेडी अलग बता दिया गया है तो इसके संग दोबारा से द दो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक क्योंकि हमने अलग से कैटेगरी का नाम ही दे दिया है चलो इसको करेंगे सब लोग आंसर करेंगे क्या है देर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग ए डिफरेंट ओपिनियन अलग मत होना कोई गलत बात नहीं है हो सकता है आप अपने सही तरीके से सही हो दूसरा इंसान दूसरे तरीके से सही हो चलो इसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगी जो सबसे पहले देगा सबसे पहले आंसर देने वाले का मैं नाम अनाउंस करूंगी देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर देता है वेरी गुड रिचावर्थ सो यू यू हैव गिवन the करेक्ट आंसर देर इज नथिंग रॉन्ग विद हैव अ डिफरेंट ओपिनियन हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन आपको पता है मैंने having और have के बीच में डिफरेंस समझाया था कि जब भी हम बात करते हैं किसी पोजेशन की ओनरशिप की तब तो आप ing नहीं लगाते हो अदरवाइज ing लगाते हो तो यहाँ पे कुछ ओनरशिप की बात थोड़ी ना हो रही थी तो हम ing एनजी लगाएंगे मे बी देवर a फाइट यहाँ पे भी ओनरशिप की बात नहीं हो रही है तो यहां पे भी हम आई लगाएंगे हैविंग अ फाइट ऐसे हो जाएगा ठीक अरे कुछ इश्यू आ रहा है चलो इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे सब लोग अपार्टमेंट nice यहाँ पे तो ओनरशिप की बात हुई है ओनरशिप की बात हुई है आई एन जी नहीं लगेगा यहाँ पे हम हैव हाँ लिख देंगे डिफरेंस समझ में आ रहा है आई हैव सिस्टर यहाँ पे भी मेरा हक हाँ है आई हर मेरी ओनरशिप है पोजेशन है हक हाँ है तो यहाँ पे भी आई एन जी नहीं आएगा ये भी आपका बिल्कुल सही है परफेक्ट है यार इन दोनों क्वेश्चंस को करिए सब लोग सभी लोग आंसर करेंगे गुड क्या रहा है बताओ 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 यू हैव अ स्वीट वॉइस आई एम आई एम है यहाँ पे हमारे सेंटेंस में लिखा है पोजेशन मेरी अच्छी आवाज है मेरा हक है मेरी ओनरशिप है मेरी आवाज पे तो यहाँ पे आई एनजी नहीं आएगा right. यहाँ पे ओनरशिप की तो बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में हैव की जगह पे आ जाएगा हैविंग ठीक इन दोनों क्वेश्चन को करो एनी वन हुक्राइब्स यू शाय मस्ट नॉट नो यू वेरी वेल chatterbox बोला जा रहा है कि भाई जो तुम्हें शाय बोलता है ना उसे पता नहीं होगा कि तुम कितने बड़े चार्टर बॉक्स हो बॉक्स मतलब जो इंसान हमेशा बग 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 करता रहता है वुड यू डिस्क्राइब हर अ वूमे ऑफ एवरेज हाइट क्या तुम उसको एक ऐसी लड़की बताओगे जिसकी एवरेज हाइट है थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव जल्दी से करो सब लोग आपके सेंटेंस में क्या आया है डी से शुरू होने वाला वर्ड दिख रहा है चाहे डिस्क्राइब हो और चाहे डिफाइन हो इनके बाद में कभी भी एज सॉरी एज आता है तो यहां पे एज नहीं लिखा था ये एरर है यहां पे एज नहीं लिखा था ये एरर है अगर हमारे सेंटेंस में सिलेक्शन की बात होती है ना जैसे कि इलेक्ट अपॉइंट चूज तो इन सब के बाद एज नहीं आता लेकिन डिस्क्राइब और डिफाइन के बाद एज आता है ठीक चलिए द लोकल गवर्नमेंट बिल पब्लिश येस्टरडे ऑल्सो स्क्रैप्स द प्लान टू डायरेक्टली इलेक्ट एज मे एज मेयर ऑफ द कंट्री एंड सिटी काउंसिल्स दिस इज अ मेयर मेयर अभी अभी मैंने बताया चूज इलेक्ट सेलेक्ट अपॉइंट चॉइस की जब भी बात होती है जब भी चॉइस की बात होगी तो कभी भी हमारे सेंटेंस में आज नहीं आएगा डिस्क्राइब और डिफाइन में आ जाएगा लेकिन चूज और इलेक्ट में नहीं आएगा वी अडेप्ट टू द स्टूडेंट एग्जर्ट अ लॉट एट एग्जामिनेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस किसी को याद है मैंने डिटेल में कराया था किसी को याद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस मैंने बहुत डिटेल में कराया था मेरे ख्याल से काफी लोगों को याद होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए मैंने क्या बोला था कि यार चेहरे शीशे में रिफ्लेक्शन कब बनता है जब आप शीशे के सामने आके खड़े होते हो उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या लॉजिक बताया था कि कुछ शब्द होते हैं उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है जैसे कि अडेप्ट एक्जर्ट इंजॉय पॉइजन तो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा आर सेल्फ और स्टूडेंट्स का क्या होगा द स्टूडेंट इफ आई एम वेरी गुड इफ एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टूडेंट तो हिमसेल्फ अगर यहां स्टूडेंट्स होता तो क्या आ जाता देमसेल्व बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे भी करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन और फोर्टी तो सामने यार स्क्रीन पे ही आ गए हैं खैर एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हैं मैं आप लोगों की रैंक अनाउंस करूंगी यहाँ पे मैं अभी आप लोगों की रैंक अनाउंस नहीं कर पाई हूं तो मैं आप लोगों की अभी रैंक अनाउंस करूंगी जो आपके पास पांच क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन और उसके बाद रैंक अनाउंस करूंगी तो जल्दी से सब लोग जल्दी से इस टेस्ट को ज्वाइन करो फटाफट टाइम मत लगाओ वरना भूल जाओगे और इस वाले टेस्ट में जैसा कि मैं पिछली बार बता चुकी हूं द हिंदू में जितना भी हमने वोकेबलरी पढ़ी है पिछले हफ्ते वो सारा मैं कराऊंगी किसी की छूटी है या फिर आपने रिविजन नहीं किया है फर्क नहीं पड़ता क्लास जरूर करिएगा इट्स अ फ्री क्लास आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा साढ़े बारह बजे ठीक है ये इसकी लिंक देखो चैट में भी ऊपर की तरफ दी गई है चैट में ऊपर की तरफ लिंक दी गई है क्लिक करके ज्वाइन कर लो अगर आप नए हो तो आपसे कोड पूछेगा कोड डाल दीजिएगा स्टडी अदरवाइज सब लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लो जल्दी से ये करो क्लिक करके ज्वाइन कर लो इसकी लिंक यहाँ पे है मेरे टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर करी है टेस्ट की लिंक तो जल्दी से आप सब लोग ज्वाइन कर लो और अगर आप लोग लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो ऐप से कर लो ऐप को खोलो मेरा नाम टाइप करो फिर प्लस पे जाओ स्पेशल क्लास पे जाओ यहाँ पे दिया होगा क्लिक करो ज्वाइन कर लो एनरोल करते टाइम आपसे कोड पूछेगा कोड डाल दीजिएगा स्टडी ठीक है सभी लोग साढ़े बारह वाली क्लास में आओ जल्दी से ज्वाइन करो और आओ आपके पास बीस पच्चीस मिनट है साढ़े बारह पे फिर से फ्री क्लास है आपकी मैं देखती हूँ कितनी वोकेबली प्रिपेयर है आपकी ठीक और बाकी मंडे से फ्राइडे साढ़े ग्यारह पे मेरा टाइम है टाइमली आया करिए ताकि हम लोग मैक्सिमम चीजें सीखें ये सीरीज अगर खत्म होगी तो हम एक और बहुत अच्छी सीरीज शुरू करेंगे लेकिन हाँ आपका जब इंटरैक्शन इतना गजब का होगा ना तब ऐसे नहीं कि मतलब आपका मन नहीं है और मैंने सीरीज शुरू कर दी चलो अभी मैं अपने पेड़ बाच के बारे में बता दे रही हूं इंग्लिश का जो कंप्लीट बैच मेरा अन है आप में से अगर किसी को उस बाच में एडमिशन लेना है और पूरी इंग्लिश मेरे से पढ़नी है तो आप कर सकते हो आप सबसे पहले अन अकेडमी प्लस पे जाओगे अन अकेडमी प्लस पे जाने के बाद स्क्रीन खोल लू सबसे पहले आप अन अकेडमी प्लस पे जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम में फिर एस को सेलेक्ट करोगे एस को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपके सामने एक चार्ट बन के आ जाएगा सो दिस इज योर चार्ट इस तरीके का चार्ट आपके सामने बन के आ जाएगा याद रखिएगा वन ईयर या टू ईयर का ही सब्सक्रिप्शन बेनिफिशियल होता है क्योंकि प्री मेन्स थ्री सबकी कराने तैयारी करते करते आठ नौ महीने लगता है ठीक तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन लेने में और क्लासेस अटेंड करने में आज ही ले लो ताकि कल से क्लास कर पाओ बेनिफिट ये होता है कि सपोज आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया तो सारे टीचर्स के क्लासेस डाउट सेशन सब कुछ मिलता है ठीक दिस इज द कोड चाहे फ्री क्लास हो चाहे प्लस क्लास हो देख लीजिए याद कर लीजिए लगाइएगा और फिर आप सबसे मुलाकात करते हैं बैच में फिलहाल अभी साढ़े वाले टेस्ट में जल्दी से सब लोग आ जाओ